वेलकम टू प्रेजेंटेशन ऑन HAL, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इस कंपनी को इसलिए हमने चुना है कि अभी ऐसा लगता है कि इसमें रीसेंट करेक्शन जो आया है 1450 से 900 के करीब का, वो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी इसमें जो है मिला है। तो इसके बारे में अभी आगे जो डिटेल्स हैं वो डिस्कस करते हैं। तो कंपनी जो है 1940 में एक वालचंद हीराचंद ने बेंगलोर में जो है अंडर गवर्नमेंट ऑफ मैसूर ये बनाई थी, और उस समय इसका नाम होता था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड। और उसके एक साल बाद, दो साल बाद में ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1942 में इसको टेक ओवर कर लिया और यूएसए से कुछ टाई अप किया, और उसके बाद कुछ ये एयरक्राफ्ट बनाना शुरू किया है। तो 1951 तक इन्होंने तीन चार पांच वैरायटी के एयरक्राफ्ट बनाए थे जो नीचे लिखे हुए हैं। HT-2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट था, एक टू सीटर पुष्पक था, एक कृषक था एयर ऑब्जर्वेटरी रोल के लिए, और एक फाइटर जेट था फर्स्ट मारुत, और एक किरण था वो बेसिक ट्रेनिंग जेट था। अगस्त 1963 में एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड एक कंपनी बनाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होली ओन्ड, जिसका काम था MiG-21 एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग करना, और उसके लिए नासिक और कोरापुट में फैक्ट्रियां सेटअप की गई। उसके अलावा 1964 में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डिपो होती थी कानपुर में, वो एयरफोर्स के अंडर थी, उस डिपो को AIL जो एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड ने टेक ओवर कर लिया। और गवर्नमेंट ने जो पहले जो कंपनी थी हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, उसको एयरक्राफ्ट इंडिया लिमिटेड एयरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड के साथ में मर्ज कर दिया। और उस मर्जर के बाद 1964 में तब ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नाम की कंपनी पैदा हुई। और अभी ये जो प्रोडक्ट बनाते लिखा हुआ है Sukhoi-30 और LCA चीतल चेतक LCS हेलीकॉप्टर्स, और इनका भी मेजर काम जो है वो रिपेयर ओवरहॉलिंग का होता है, तो बहुत बड़ी रेंज है इनकी। और वो जो है करीब 58% अभी पिछले साल में कंट्रीब्यूशन था उसका टोटल रिवेन्यू में। IPO आई थी मार्च 2018 में और 28 मार्च को ये लिस्टिंग हो गया। ये पूरा डिटेल्स इसमें एक डायग्रामेटिकली दिखाया गया, 1940 हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, 1963 एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड, 64 में जो है अक्टूबर 64 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गई। उसके बाद 2007 में इसको नवरत्न स्टेटस मिला, जो गवर्नमेंट में PSU को दिया जाता है, मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न। और अगस्त दिसंबर 15 में 75 साल इन्होंने अपना सेलिब्रेट किया, और जैसा अभी बोला मार्च में जो है लिस्टिंग हुआ है, तो हाई ग्रोथ पाथ पे जो है अभी निकल पड़ी है। ये इनके R&D सेंटर हैं, 11 अलग अलग क्या क्या काम करते हैं डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे इसकी। तो ये जानकारी है, 20 प्रोडक्शन सेंटर हैं, 11 R&D सेंटर हैं, और अच्छा ग्रोथ हो रहा है। पिछले 5 साल में करीब 20% रिवेन्यू ग्रोथ मिला है, और 15 साल में कंसिस्टेंटली 9-10% के करीब ग्रोथ मिल रहा है। 20 देशों को एक्सपोर्ट करते हैं, और 17 इंडिजिनस और 14 लाइसेंसेड एयरक्राफ्ट बनाए। MOU में एक्सेलेंट रेटिंग आता है, MOU जो होता है PSU के लिए। और इंडियन डिफेंस के फ्लाइंग के जितने भी सिस्टम हैं उनमें 80% में जो है किसी ना किसी प्रकार HAL का योगदान है। ये प्रोडक्ट है, इनके फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट है, रोटरी विंग एयरक्राफ्ट है, एक्सेसरीज इंजिन वगैरह बनाते हैं, एयरोस्पेस में भी ये जो है इसरो को हेल्प करते हैं, UAV बनाते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, और एयरो इंजन गैस टरबाइन। कैपेबिलिटीज के बारे में दिया हुआ है, MRO तरह तरह की इनका मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल करने की कैपेबिलिटी है, मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी है, डिजाइन डेवलपमेंट की कैपेबिलिटी है, और वही स्पेस का जो जैसे बताया, एयरक्राफ्ट का मिड लाइफ अपग्रेडेशन भी किया जाता है, और मिसाइल इंटीग्रेशन करते हैं, और UAV के लिए अभी
तेज रफ्तार से काम हो रहा है। हिंदुस्तान में जगह जगह इनका सेटअप है और अभी तक 4,100 एयरक्राफ्ट और 5,100 इंजन बना चुके हैं, और ओवरहॉलिंग देख के बोले तो 11,300 एयरक्राफ्ट और 34,000 इंजन का ओवरहॉलिंग कर चुके हैं। एक्सपोर्ट भी 20 से ज्यादा देशों में इनका एक्सपोर्ट है, मॉरिशस, इटली, मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान, नामीबिया, सुरीनाम, इक्वाडोर, ये कुछ दिए हुए हैं यहाँ पे। और अभी जो है 5 वैरायटी के जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में है, कितना बना बना चुके हैं इसमें और कितना ये है, सब ये टीओटी में है और ये इंडिजनस है। करंट ऑपरेशन में जो प्लेटफॉर्म है जिन पे ये लोग काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और रिपेयर ओवरहॉलिंग सब के, किस किस वैरायटी का ये लोग कैपेबिलिटी है वो इसमें दिया है। इंजन ओवरहॉलिंग और इंजन मैन्युफैक्चरिंग, 13 टाइप ऑफ इंजन का ओवरहॉलिंग करते हैं। उसके अलावा इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मिग कॉम्प्लेक्स और ये बेंगलोर कॉम्प्लेक्स, इनमें क्या क्या काम होता है इधर देख सकते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट है कि पूरी जो हमारी डिफेंस फोर्स है, इंडियन एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो या कोस्ट गार्ड हो, सभी को कितना ये फाइटर फाइटर ट्रेनर ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर कितना परसेंटेज इसमें, 91% एचए है यहाँ पे, 58% है, और नेवी को तो 100% ट्रेनर में है, और ऐसा ही देखिए आर्मी का पूरा 100% है, कोस्ट गार्ड का भी 100% सपोर्ट इनका है। स्पेस में भी जो इसरो को पीएसएलवी जीएसएलवी वगैरह में लॉन्च में इन्होंने जो है एरोस्ट्रक्चर बना के दिया हुआ है, चंद्रयान टू में भी कुछ बना के दिया हुआ है, इंजन वगैरह बनाने के में भी उनका हेल्प कर रहे हैं। अभी जो डिजाइन डेवलपमेंट चालू है उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। डिजाइन डेवलपमेंट की कैपेबिलिटी इनकी देखिए, जो कितना आईपीआर फाइल किया हुआ है और ऑलरेडी जो है वो 178 2 मार्च 2018 की फिगर है, नई वाली अभी तक मिली नहीं। आईपीआर इनके नाम है, साथ पेटेंट हैं, कॉपीराइट्स हैं, डिजाइन है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के मामले में देखिए तो Q1 की परफॉर्मेंस जो है वो कम रहती है, और पहले बहुत ही कम रहती थी, कुछ 25% होने के बजाय वो 15% के आसपास रहती है। तो अभी जो Q1 का रिजल्ट आएगा 10 सितंबर को, उसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, आगे मेकअप होगा ज़रूर। और अगर ख़राब रिजल्ट आएगा और मार्केट में अगर जो लोग नहीं समझते हैं तो थोड़ा नीजर रिएक्शन आएगा, तो हो सकता है बाजार में आपको सस्ता एंट्री करने का मौका भी मिल सकता है। पिछले 5 साल में जो देख रहे हैं ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ जो है वो करीब CAGR 20% है, मगर जो इनकी रिवेन्यू है सर्विस मतलब रिपेयर ओवरऑल की जो सर्विस है वो ग्रो हुई ये 34%, इधर 40% हो गई, 40% ग्रोथ हो गई, यहाँ 50% ग्रोथ हो गई। तो वो बड़ा मार्केट है, और अभी देखेंगे कि जो रिवेन्यू वाला जो है उसका टाइम फ्रेम होता है 40 साल, एक अगर टेक्नोलॉजी इनके पास है ज़्यादा से ज़्यादा जो भी काम करते हैं, तो दैट टेक्नोलॉजी लास्ट फॉर 40 ईयर्स, वेयर एज मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी कोई भी एक नया टेक्नोलॉजी हासिल करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे और उसके बाद अपना बनाएंगे प्रोडक्शन करेंगे तो 8-10 साल बाद पूरा ऑब्सलीट हो जाता है। तो नया मैन्युफैक्चरिंग में रिसर्च में खर्चा ज़्यादा होता है और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा रहता है, जबकि ये जो रिपेयर ओवरहॉलिंग और स्पेयर्स का जो बिजनेस है वो बहुत लंबे समय तक चलता है और उसमें अपना कंपटीशन उतना नहीं है, तो बहुत अच्छा इनका जो है स्ट्रेटजिक डायरेक्शन में मूव जो हो रहा है। जो देखिए 34% था इसका शेयर 15-16 में और अभी वो 58% हो गया, और ये कंसिस्टेंसी प्रदान करने में इसको ये रहेगा कि ऑर्डर नहीं है या ऐसा नहीं होगा, उतना एक बेस प्रोवाइड करेगा। पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस देखिए तो कंसिस्टेंसली ग्रो करती है कंपनी, 16,000, 17,000, 18,000, 19,000, 21,000, प्रॉफिट में भी 2,000, 2,600, ये घट गया थोड़ा, फिर भी 2,800 हो गया,
इस तरह से एक अच्छा, बहुत अच्छा कंपनी है। आईपीओ आया था मार्च 18 में, 1215 से 1240 का प्राइस बैंड था, लेकिन वो आई प्रो जस्ट सब्सक्राइब एल आई रादर सब्सक्राइब नहीं हुआ, कुछ बेल आउट किया था उसमें LIC वगैरह ने, और 10% का आईपीओ था, उसमें 7% तो LIC ने ही लिया, तो प्राइसिंग वगैरह इनका थोड़ा स्ट्रेस था ऐसा है उसका लगता है। तो उसके बाद क्या हुआ है आप देखते हैं इसमें प्राइस चार्ट में, कि वो धीरे 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 जो है प्राइस घटता गया, और ये 700 700 के बाद मार्च में जो झटका लगा तो वो 500 से भी नीचे चला गया था। उसके बाद ग्रेजुअल रिकवरी आया, और अभी जैसे रिकवरी आया तो पहले इनका प्लान था 5% का OFS लाने की, क्योंकि इनको अपना जो शेयर होल्डिंग जो है 90% से घटा के 75% करना है। तो पहले था कि पहले 5% करेंगे, उसके बाद देखते हैं थोड़ा अगर मार्केट इंप्रूव होगा तो है। फॉर्चुनेटली क्या है, ये प्राइस जो है एकदम चेकअप हो गया, कोई रिसर्च रिपोर्ट वगैरह होती, ज्यादा मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चा इसकी नहीं होती है। तो इन्होंने क्या किया, फिर प्लान करके 5% का 10% कर दिया, और 10% का OFS लेके आ गए। पहले दिन जो इंस्टीट्यूशनल रेस्पॉन्स था बहुत अच्छा मिला, तो इन्होंने फैसला किया नहीं हम जो है अपना ग्रीन शू ऑप्शन जो है 5% का वो भी ऑफर एक्सरसाइज करेंगे, और हम अपना पूरा 10% जो है का OFS 15% का OFS करेंगे, सो दैट हमारा जो है शेयर होल्डिंग पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़ के 25% हो जाए। तो वो उसमें इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा रहा, और लेकिन इसमें नजर नहीं आता, बारीकी से देखने से मिलता है। लेकिन जो है रिटेल का रिस्पॉन्स जो है वो उतना अच्छा नहीं था, और हुआ ये क्योंकि प्राइस उन्होंने थोड़ा सा डिस्काउंट में रखा था। पहले तो मार्केट प्राइस 1400 के ऊपर जो रूल कर रहा था, फिर वो घट के कुछ 1270 1170 ऐसा 1180 के आसपास था, लेकिन जिस दिन OFS आया जब 1001 उसका था फ्लोर प्राइस, तो 15% प्राइस जो क्रैश हो गया। अगले दिन रिटेल का था तो फिर और थोड़ा क्रैश हुआ, और दिन में वो 980 भी आया था, और जब पता लगा मार्केट में कि रिटेल में सब्सक्राइब हुआ नहीं है, तो दैट मींस देयर आर वीक हैंड्स। कुछ कुछ लोग, बहुत सारे लोग इस तरह के रहते हैं जो खरीदते हैं आज कल बेचने के लिए, तो कल बेचने वालों के, जब बेचने वाले सब आ गए, तो जो है उसके अगले दिन 28 के अगले दिन 31 तारीख को जो भाव जो है उसका घट के 921 रुपये तक आ गया, और अभी वही 900 921 20 30 रेंज में जो है चल रहा है। अभी देखिए 10 सितंबर को जब रिजल्ट आता है उसके बाद इसमें कुछ नया डायरेक्शन मिलेगा, वो डायरेक्शन नीचे का भी हो सकता है। अभी फिलहाल जो है एम्प्लॉई कोटा के को जो है एम्प्लॉई को उसी प्राइस में जो है मिल रहा है ये 950-95 के भाव में, जिसमें पब्लिक को अभी दिया था फ्लोर प्राइस था, तो 9 तारीख तक वो रहेगा। अभी क्या है स्थिति बाजार में इसकी, कि सप्लाई जो है ज्यादा है, और बहुत सारे जो वही जो क्लास ऑफ इन्वेस्टर हैं जो खाली क्विक गेन के लिए OFS में या IPO में अप्लाई करते हैं और निकल जाते हैं, तो वो सब अभी आज स्टकअप हो गए, क्योंकि भाव तो घट गया 950 95 से कम में तो किसी को मिला नहीं, 951 आप समझ लीजिए, तो 951 तो है ही नहीं, बेचे कहाँ से। तो अब सब लोग वो डेस्परेट हैं बेचने के लिए, जैसे भी जरा सा भी बढ़ता है वो बेचने के लिए आ जाते हैं। तो इसके लिए ये कुछ धीरे धीरे जो है कंसोलिडेशन होगा, और कुछ इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट डेवलप होगा, क्योंकि जहाँ तक हम समझते हैं डिफेंस सेक्टर का अभी बहुत अच्छा टाइम है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, और आत्मनिर्भर में बहुत सारे जो है डिफेंस आइटम बैन कर दिए, उनका इम्पोर्ट बैन कर दिया 101 आइटम, और अभी एक बड़ा लिस्ट बन रहा है, और भी बहुत सारे बैन होने वाले हैं। तो जैसे ही किसी दिन चर्चा होती है कि ये डिफेंस स्टॉक की थीम है आज, तो उस दिन जो है ऐसे ही जो है बढ़ जाते हैं, तो उसी चक्कर में जो बढ़ते बढ़ते पहले जो आपने भाव देखा 1400 प्लस का, वो तभी आया। तो उस तरह की अपॉर्चुनिटी और भी आएंगी, तो अभी देखिए एंट्री का मौका देख के यदि किसी को इंटरेस्ट है तो बहुत मतलब अच्छी कंपनी है, अच्छे भाव में उपलब्ध है। और ये अलग बात है कि जब वो 500-700 रुपए था तभी भी बहुत अच्छा भाव था, मगर उस समय सरकार की जो नीति में परिवर्तन हुआ है आत्मनिर्भर वाली, जिसमें इम्पोर्ट को बैन हो गया, तो उससे इसको बहुत बड़ा पुश मिल गया,
जो पहले वो चीज नहीं थी। तो ये सब था एचएल के बारे में जानकारी। आप देखिए इसमें कितना अच्छा आपको लगता है, बढ़िया कंपनी है और बढ़िया इसका सेक्टर है जो आजकल एकदम हॉट सेक्टर है। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा आपको, और पसंद आएगा तो आप इसको जो है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बीच बीच में हम लोग कमेंट के थ्रू जो है इसमें अपडेट आपको देते रहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।